जीएचएमसी के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के तरफ से ये इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रहा है। अभी तक पूरा ड्राइव में ये थर्ड फेज है, अभी तक 7,000 तक हमने इंक्रोचमेंट निकाल चुके हैं और बाकी लोग जो इंक्रोचमेंट निकालने के बाद फिर री इंक्रोच कर रहे हैं उनका पूरा एस्टैब्लिशमेंट सीज कर रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस भी सीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा उनका। ये पूरा काम जो कर रहे हैं हम, पूरा ड्राइव जो चल रहा है, ये सब हैदराबादी सिटीजन सबको, आम जनता सबको चलने का हक, द राइट टू वॉक देने के लिए कर रहे हैं हम सब लोग। इसके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया सबसे, सभी लोग भी आके हमको थैंक यू बोल के जा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने आप जो इंक्रोचमेंट है बना लिए थे वो निकाल दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छा इशू के ऊपर ये सब सिटीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन सब एक होकर काम कर रहे हैं। दिस एंटायर ड्राइव एंड द एंटायर इशू शुड कंटिन्यू अंटिल हैदराबाद हैज अ कम्प्लीटली वॉकेबल, चलने का हक सबको मिलने तक ये सब ड्राइव चलता रहेगा। आज 3 जगह पे ये ड्राइव चल रहा है, एक ओवेसी हॉस्पिटल टू चांद्रायन गुट्टा का स्ट्रेच है, एक कुकटपल्ली टू एरागड्डा का स्ट्रेच है और एक रेतीबोली टू मेहदीपट्टनम का स्ट्रेच है। आज 3 स्ट्रेच चल रहे हैं, ऐसा एवरी वीक एक डे एनफोर्समेंट डे और ड्राइव चलेगा। हर वीक हम मेन रोड सेलेक्ट करेंगे और वो मेन रोड्स पे जो जो फुटपाथ एंक्रोचमेंट है वो सब निकालेंगे। थैंक यू। एक्चुअली ये काम करने के लिए हमको इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं है सेक्शन 405 के मुताबिक, बट फिर भी हम 24 आवर्स से पहले सब अरे अनाउंसमेंट कराए थे, बोले थे मीडिया में, बोले थे पेपर प्रेस सब में बोले थे। जो इसीलिए तो कुछ लोग जो जिनको पता चला है वो लोग ने निकाल लिया है, खुद ब खुद यही रूट पे इंक्रोचमेंट निकाल चुके हैं कुछ लोग। कुछ लोग जो सोचे कि कुछ नहीं होता उन्होंने नहीं निकाला है। थैंक यू। थैंक यू। Gracias.